नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ के अंतर्गत पाठ 4 कृषि का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत गांवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। विश्व की अगर हम बात करें तो लगभग 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य के लिए अनुकूल स्थलाकृतियाँ, मृदा और जलवायु अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषि योग्य भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। कृषि क्रियाकलाप या कृषि कार्य विश्व के उन्हीं प्रदेशों में किए जाते हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु एवं उपयुक्त कारक विद्यमान हो। बच्चों, क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हार्टिकल्चर क्या है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे ही हम खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर मुख्य रूप से हमारे कृषि कार्य से संबंधित है। दूसरा, सेरिकल्चर, जिसमें रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। इनको हम वाणिज्यिक दृष्टिकोण से अर्थात आर्थिक लाभ के लिए रेशम के कीटों का पालन करते हैं। यह कृषक की आय में पूरक हो सकते हैं। तीसरा है हमारा पीसी कल्चर, जिसमें मत्स्य पालन किया जाता है। तालाब या पोखरों का निर्माण करके हम उसमें मछली पालन कर सकते हैं, जिसे हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। चौथा है विटी कल्चर, इसमें विशेष रूप से अंगूरों की खेती की जाती है। ठीक है, और हमारा लास्ट है हार्टिकल्चर, जो कि वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कृषि तंत्र क्या है। तंत्र मतलब वह पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य का संचालन होता है। तो कृषि कार्य के संचालन के लिए किस प्रकार की कृषि तंत्र की व्यवस्था की जाती है, आइए हम जानते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, यह कुछ इनके संक्रियाएं हैं, अर्थात ये कुछ कार्य इनमें किए जाते हैं। इस तंत्र के निर्देशों के अंतर्गत फसल, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। अब आइए जानते हैं बच्चों कृषि के प्रकार के बारे में। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी का, इस तर्क के आधार पर कृषि को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यह पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो आइए जानते हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि क्या है। बच्चों, जैसे रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, कृषि के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। पहला है निर्वाह कृषि, जिसके अंतर्गत उनके और 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। उसी प्रकार कृषि के मुख्य प्रकार के अंतर्गत दूसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि, जिनके और 3 प्रकार हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि में कृषि कार्य केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी या नई नई तकनीकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। केवल परिवार के लोगों के श्रम को ही कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जैसे हमने इसके पूर्व रेखा चित्र में भी देखा, जिसमें पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। अब
दूसरा है हमारा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि के और तीन प्रकार है। पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि। आइए बच्चों, अब हम कुछ मुख्य फसलों के बारे में जानते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की पूर्ति करनी होती है। गेहूँ, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। उसी क्रम में चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं, जिनको हम पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। अब आइए हम इन मुख्य फसलों के बारे में एक सामान्य चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है हमारा चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल एक उपयुक्त जलोढ़ मृदा में, जिसमें जल धारण करने की क्षमता हो, ऐसे मृदा में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अमेरिका चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत और जापान की बारी आती है। दूसरा प्रमुख फसल गेहूं है। गेहूं को ज़्यादा पानी एवं ज़्यादा धूप की आवश्यकता बढ़ते समय नहीं होती, किंतु पकते समय अधिक धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में गेहूं की खेती शीत ऋतु में की जाती है। तीसरा मुख्य फसल है हमारा मिलेट, जिन्हें हम मोटे अनाज के रूप में भी जानते हैं। कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। इसके लिए कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। अगला है हमारा मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सामान्य उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। चलिए हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा मुख्य फसल है कपास। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अगला हमारा फसल है पटसन। इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अगला हमारा फसल है कॉफ़ी। बच्चों, आप सब तो जानते हैं ना कॉफ़ी के बारे में, जिसे हम पीते हैं। कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, मतलब ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। अगला फसल है हमारा चाय। बच्चों, आप सब तो जानते ही हैं और मेरे ख्याल से आप सब सुबह सुबह पीते भी होंगे। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर वितरित
उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आइए जानते हैं किस प्रकार से भारत में और पूरे विश्व में कृषि का विकास हुआ। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। अर्थात हम समझ सकते हैं कृषि का विकास अर्थात जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बुवाई के क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोत वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो बच्चों आइए जानते हैं विकासशील और विकसित देश की फार्म की तुलना। विकासशील देश जैसे हमारा भारत और विकसित देश जैसे अमेरिका, तो दोनों की कृषि व्यवस्था की हम तुलना करते हैं। भारत में कृषि पुराने पद्धति से की जाती है, जबकि अमेरिका में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल और दाल हैं, जबकि वहाँ मक्का, सोयाबीन, चुकंदर मुख्य फसलें हैं। बच्चों हमारे भारत में कृषि कार्य के लिए पुराने तकनीकों का उपयोग करते हैं, जबकि अमेरिका में नवीन तकनीकों जैसे उपग्रहों और कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। हमारे भारत में कृषि उपजों के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका में स्वयं कृषकों के पास भंडारण की व्यवस्था है। हमारे भारत में कृषि कार्य मुख्यतः वर्षा जल पर निर्भर करती है, जबकि अमेरिका में सिंचाई हेतु या हम कहें कृषि कार्य के लिए अनेक सिंचाई की सुविधाएं हैं। भारत में किसानों के पास कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है, जबकि अमेरिका में कृषकों के पास कृषि जोतों का आकार बहुत बड़ा है। भारत में अधिकांश कृषक खेतिहर किसानों की तरह कार्य करते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषक एक व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह कृषि पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कृषि क्या है? दूसरा, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा, रोपण कृषि क्या है? चौथा, भारत और अमेरिका की कृषि की तुलना कीजिए। बच्चों आपके लिए एक क्रियाकलाप भी है जिसको आपको करना है। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए और पता लगाइए कि वह किस प्रकार की मृदा में उगाए जाते हैं। तो बच्चों पुनः मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।